बेसिक मोनोक्रोम टेलीविजन रिसीवर। देखिए लास्ट टाइम हमने टेलीविजन ट्रांसमीटर किया था, अब हम टेलीविजन रिसीवर करेंगे जो ऑपोजिट होता है ट्रांसमीटर के। ट्रांसमीटर में हम क्या करते हैं कि जो ऑडियो और वीडियो होती है अलग अलग से जो आती है उनको मिक्स किया जाता है कॉम्बिनेशन नेटवर्क के थ्रू, उन्हें मिक्स करके एंटीना ट्रांसमीटर एंटीना के थ्रू सेंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर ट्रांसमीटर है तो रिसीवर भी होगा, तो रिसीवर एंटीना क्या करेगा, जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है उसे रिसीव करेगा। और जो हम पिक्चर्स देखते हैं टीवी में, हमारा रिसीविंग एंटीना होता है, हम क्या करते हैं उन पिक्चर्स को रिसीव करते हैं जो जो हमारे टेलीविजन स्टेशन होते हैं उनके थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो जो भी हमारा सिग्नल रिसीव होता है सबसे पहले आरएफ ट्यून्ड पे जाता है, आरएफ ट्यूनर ये करेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनर होता है। ट्यूनर मतलब पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सेट कर देना, रेडियो फ्रिक्वेंसी को पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सेट करेगा, ट्यून्ड करेगा उसे, और फिर उसे सेंड कर दिया जाएगा कॉमन आईएफ एम्पलीफायर पे, जो कि इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर होगा, कॉमन आईएफ एम्पलीफायर। और फिर उस पर ये जो सिग्नल आएगा यहाँ से वो जाएगा वीडियो डिटेक्टर पे। देखिए वीडियो डिटेक्टर पे जो ऑडियो और वीडियो आएंगी तो दोनों, लेकिन वीडियो डिटेक्टर सिर्फ वीडियो को डिटेक्ट करके वीडियो को डिटेक्ट करेगा और वीडियो को डिटेक्ट करके वीडियो एम्पलीफायर पे भेज देगा। लेकिन ऑडियो का क्या होगा, यहाँ से तो वीडियो चली गई, वीडियो एम्पलीफायर फिर वीडियो को एम्पलीफाई करेगा। अब जो ऑडियो होगी उसके लिए सेकेंड स्टेप होगा कि जो वीडियो डिटेक्टर से जो भी हमारा सिग्नल होगा वो जाएगा साउंड आईएफ एम्पलीफायर पे, जो साउंड होगी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर वो एम्पलीफाई होगी, और फिर उसको सेंड कर दिया जाएगा एफएम साउंड डीमोडुलेटर पे। डीमोडुलेटर का जो पहले मॉडुलेट किया गया था, जब ट्रांसमीटर करते हैं ट्रांसमिटिंग करते हैं तो मॉडुलेशन करते हैं, मॉडुलेट करते हैं सिग्नल को, एफएम मॉडुलेटिंग एम्पलीफायर था जिसको मॉडुलेट कर रहा था, रिसीवर पे क्या होगा वो डीमोडुलेट होगा, और डीमोडुलेट जो कि ऑपोजिट होगा रिसीवर एंड पे, और डीमोडुलेट के बाद उसको ऑडियो एम्पलीफायर पे सेंड कर दिया जाएगा। ऑडियो एम्पलीफायर के अगर जो भी ऑडियो आएगी उसे एम्पलीफाई किया जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉडुलेट फ्रीक्वेंसी वेरी करती है कैरियर के अकॉर्डिंग, यानी फ्रीक्वेंसी को सेपरेट किया जाता है कैरियर से और फिर उस सिग्नल को लिया जाता है ऑडियो एम्पलीफायर के पास, वो सिग्नल जाता है ऑडियो एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाई करता है। अब ऑडियो एम्पलीफायर जो कि लाउड स्पीकर के साथ कनेक्टेड होते हैं टेलीविजन के, लाउड स्पीकर क्या करेगा, जो हमारी साउंड होगी जो भी आई है वो प्रोड्यूस करेगा, वीडियो और ऑडियो दोनों अलग अलग रिसीवर एंड पे सेपरेट होंगे और अलग अलग से जाएंगे आएंगे। और लाउड स्पीकर तो लाउड स्पीकर जो भी हमारा वो होगा जो भी पिक्चर के साथ जो साउंड आई है वो सेंड करेगा। अब ये तो होगी साउंड की बात, अब यहाँ पे वीडियो की बात करते हैं। ये तो हमने की साउंड की बात, अब हम देखते हैं जो हमारी स्कैन एंड सिंक्रोनाइज सर्किट है वीडियो डिटेक्टर के साथ और जो हमारी टेलीविजन होता है उसके साथ एक स्कैन एंड सिंक्रोनाइज सर्किट लगाया जाता है। जो भी इसका काम ट्रांसमीटर में है वही काम यहाँ पे है, ये करेगा स्कैन करेगा और जो भी हमारी वीडियो होगी उसे सिंक्रोनाइज करेगा कि जो वीडियो आ रही है वो प्रॉपरली जा रही है, कहीं उसमें कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है, उनको स्कैन करता है, पर्टिकुलर पिक्चर को शो करता है। इसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना, जो स्कैन होती है और जो हमारे कैमरा ट्यूब होती है टारगेट प्लेट पे उसको कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो पिक्चर क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, स्कैन और सिंक्रोनाइज सर्किट का यूज किया जाता है। और ये टेलीविजन के साथ कनेक्टेड होता है वीडियो एम्पलीफायर के थ्रू, ये पिक्चर ट्यूब जो भी होगी टीवी की उसके साथ कनेक्ट होगा हमारा स्कैन एंड सिंक्रोनाइज सर्किट उसके साथ कनेक्टेड होगा, और फिर पिक्चर ट्यूब से हमें जो भी देखिए साउंड यहाँ से मिलेगी और पिक्चर इस यहाँ से मिलेगी जो कि हम देखते हैं, या यहाँ से हमारी लाइट आती है, पिक्सल्स होते हैं पिक्सल से, अब हम आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम ये कह रहे हैं ट्रांसमीटर पे जो हमारी साउंड है और पिक्चर है उनको कंबाइन करके सेंड किया जाता है, रिसीवर पे फिर से उन्हें स्प्लिट करके देखा जाता है। यह हमारा बेसिक मोनोक्रोम टेलीविजन रिसीवर। थैंक यू।
इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।